हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन का पार्ट वन यानी मिश्रण। तो मिश्रण का देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक दूध वाला 2.5 रुपये प्रति लीटर मूल्य के दूध का मिश्रण बनाने के लिए 2.40 रुपया प्रति लीटर और 3.60 रुपया प्रति लीटर मूल्यों के दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए। ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो प्रकार का दूध है, ठीक है, दो प्रकार का दूध है, ये पहला प्रकार का, ये दूसरा प्रकार का। तो पहला प्रकार का दूध जो खरीद कर लाए हैं कितना के हिसाब से, तो 2.40, 2.40, और दूसरा है 3.60, 3.60। अब कर रहा है ये दोनों प्रकार के दूध को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मिश्रण का हो जाए रेट वो कितना हो जाए, 2.50 हो जाए, ठीक है, मिश्रण का। तो याद रखिएगा कि एलिगेशन हम लोग लगाने के लिए क्या करते हैं, तो पहला प्रकार का क्रय मूल्य, दूसरा प्रकार का क्रय मूल्य, और बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में रखेंगे, दोनों को मिश्रित करने पर क्रय मूल्य, यानी दोनों के मिश्रित करने पर क्रय मूल्य कितना, ठीक है, दोनों को मिश्रित करने पर क्रय मूल्य कितना है, तो 2.50 यानी 2.5 लिखेंगे, ठीक है, 2.5। अब क्या करना रहता है कि तिरछा तिरछी घटाते हैं, ठीक है, तिरछा तिरछी घटाएंगे। देखिए 2.5 में से 2.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां से 0.1 बचेगा, और 3.6 में से 2.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.1 बचेगा, ठीक है। देखिए यही आ गया रेशियो, तो दशमलव है, दशमलव दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है, दशमलव दशमलव को, तो आ गया कितना, 11:1 का रेशियो, यही आपका आंसर है। यानी पहला प्रकार के और दूसरा प्रकार के दूध को किस रेशियो मिलाना होगा, तो 11:1 के रेशियो मिलाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आया कौन सा, सी नंबर, ऑप्शन सी। देखिए याद रखिएगा कि पहला प्रकार का क्रय मूल, दूसरा प्रकार के क्रय मूल, और दोनों को मिश्रित करने पर मिश्रण का क्रय मूल, तो मिश्रण का क्रय मूल जो है और बीच में, एलिगेशन लगता है एक ही यूनिट में, यानी पहला का क्रय मूल तो दूसरा का भी क्रय मूल, तो यहां मिश्रण का भी क्या चाहिए, क्रय मूल। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी घटाना है, तिरछा तिरछी घटाने के बाद जो आएगा वही अनुपात में आता है, यानी संख्या का रेशियो आता है। तो पहला प्रकार का अनुपात 11, तो दूसरा प्रकार कितना, 1, यानी अगर पहला प्रकार के दूध को 11 लीटर लेते हैं तो दूसरा प्रकार के दूध को कितना लेना होगा, 1 लीटर लेना होगा, ठीक है, यानी 11:1 के रेशियो में लेना होगा, तब मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण का रेट हो जाएगा 2.5, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक 25 है, यानी 24 छात्र, ठीक है, टोटल कितना है छात्र, 24 छात्रों का, यानी 24 विद्यार्थी है, उसका औसत अंक कितना, 25। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 20 है, यानी बॉय, तो बॉय का एवरेज कितना है, 20, बॉय का एवरेज एज कितना है, 20 एवरेज अंक, और लड़कियों का, तो गर्ल्स, तो गर्ल्स का यानी लड़कियों के औसत अंक कितना है, 30, तो लड़की का औसत अंक कितना है, 30। देखिए बॉय का औसत अंक 20 और गर्ल का औसत अंक कितना, 30। अब बॉय और गर्ल मिला दिए तो क्या हो गया, कुल छात्र हो गया, बॉय और गर्ल मिलाने के बाद कुल छात्र, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, मिश्रण, यानी दोनों को मिला दिए तो मिश्रण, यानी बॉय और गर्ल मिलाने के बाद कुल छात्र निकलेगा, वो कुल छात्र क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा, ये क्या है, कुल छात्र, मिश्रण। तो मिश्रण का औसत अंक कितना, 25, तो मिश्रण जो बोलेगा, मिश्रण को बीच में लगाना है, कहां, यहां पर 25 है। देखिए बॉय का औसत अंक, गर्ल का औसत अंक, और दोनों को मिश्रित करने पर मिश्रण का औसत अंक, औसत अंक बीच में, तो औसत अंक, औसत अंक, तो औसत अंक चलेगा। अब तिरछा तिरछी घटाइए तो 25 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, और 30 में से 25 घटेगा तो कितना, 5, यानी 5:5, इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा रेशियो, तो 5 से काट दीजिए तो 1:1, यानी 1:1 के रेशियो में, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो कितना, 1:1, तो ये क्या निकलता है, संख्या का रेशियो निकल गया, यानी किस रेशियो में रहेगा बॉय और गर्ल की संख्या, 1:1 के रेशियो में। तो कह रहा है
लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है, तो संख्या में क्या अनुपात निकलेगा, 1:1 का, ऑप्शन कौन जाएगा, एक नंबर, ऑप्शन ए। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, करा एक दुकानदार दो प्रकार के चाय 80 रुपया तथा 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, यानी एक दुकानदार जो है वो दो प्रकार के चाय को खरीदता है, ये पहला प्रकार का चाय मान लीजिए और ये दूसरा प्रकार का चाय मान लीजिए, ठीक है। तो पहला प्रकार के चाय का क्रय मूल्य कितना, 80, तो पहला प्रकार के चाय का क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे 80, और दूसरा प्रकार के चाय का क्रय मूल्य कितना, 110। ये देखिए क्या है, क्रय मूल्य है, पहला चाय का क्रय मूल्य, दूसरा प्रकार के चाय का क्रय मूल्य। अब करा है उसे मिलाकर, यानी पहला और दूसरा दोनों को मिला दिया, तो मिला देगा तो क्या निकलेगा, मिश्रण, है ना, दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ, मिश्रण, यानी मिश्रण 99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10 रुपये लाभ कमाता है, यानी मिश्रण को, यानी पहला प्रकार के चाय को और दूसरा प्रकार के चाय को मिलाने के बाद तब देखता है तो उसको कैसे बेच रहा है, 99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, 99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 10 रुपये लाभ होता है। देखिए 10% लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ पर, यानी कितना हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा, 110%, और 110 पर भी में तोड़िएगा तो कितना के बराबर आएगा, 11/10 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होल वैल्यू, इसको बोलते हैं होल वैल्यू, ये क्या होगा, होल वैल्यू, यानी 10% लाभ का होल वैल्यू कितना आएगा, 11/10। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना था, मिश्रण का विक्रय मूल्य, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य है 99 रुपये प्रति किलोग्राम, मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है, 99 रुपये प्रति किलोग्राम। हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, तो हमको क्या चाहिए बीच में, एलिगेशन लगाने के लिए क्या चाहिए, तो मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए, लेकिन दिया क्या है, विक्रय मूल्य। तो याद रखिएगा विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं तो क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उल्टा गुना के लिए याद करना 11/10 का उल्टा 10/11 कट 11 9 99, यानी 10 9 कितना हो जाएगा, 90, यानी 90 रुपया प्रति किलोग्राम क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा, किसका, मिश्रण का, ये मिश्रण का, यानी मिश्रण का सीपी कितना आ गया, 90 रुपया प्रति किलोग्राम। तो लगाइए मिश्रण का क्रय मूल्य कितना, 90 रुपया प्रति किलोग्राम, 90 रुपया प्रति किलोग्राम। अब तिरछा तिरछी घटा दीजिए तो 90 में से 80 जाएगा कितना, 10, और 110 में से 90 जाएगा तो कितना, 20, रेशियो 1:0, यानी आ जाएगा 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो कह रहा है पहले प्रकार की चाय की मात्रा कितनी है, देखिए पहला प्रकार का, तो पहला प्रकार का अनुपात में कितना, 2, दूसरा प्रकार कितना, 1, तो दोनों मिलाकर कितना अनुपात में, 3, लेकिन केजी में कितना है, तो 150, लगाइए तुलना कीजिए 150 केजी, तो अनुपात 1 बराबर कितना जाएगा, अनुपात 1 बराबर, तो कटिएगा 3×5 150, यानी 50 केजी, बताइए अनुपात 1/50 केजी, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 2 बराबर 50 गुना 100 केजी, और ये कितना हो जाएगा, 50 केजी। देखिए पहला प्रकार का चाय 100 केजी, तो दूसरा प्रकार का चाय कितना, 50 केजी, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना, 150 केजी। पहला प्रकार का चाय कितना केजी मिलाना होगा, तो 100 केजी, ऑप्शन कौन जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन कौन है, बी नंबर। तो आपको याद रखना है कि अगर मिश्रण का विक्रय मूल्य पता है तो मिश्रण के विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना, 90। तो यहां लगाइए एलिगेशन, पहला का क्रय मूल्य, दूसरा का क्रय मूल्य, और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल्य। अब तिरछा तिरछी घटा कर रेशियो 2:1, दोनों को मिलाएं तो अनुपात 3, लेकिन केजी में कितना, 150, तो अनुपात 1/50, तो अनुपात 2 बराबर करना 100, तो अनुपात 1 बराबर करना 50, यानी पहला प्रकार के आ गया 100 केजी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिला है, यानी एक व्यापारी जो है वो एक प्रकार के चाय 60 रुपये और दूसरा प्रकार के चाय 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर लाया है, और बोला उसको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10 रुपये लाभ हो जाए। तो देखिए एक व्यापारी है जो दो प्रकार के चाय को खरीद के लाया है, पहला प्रकार का चाय और दूसरा प्रकार का चाय,
तो पहला प्रकार के चाय जो खरीद के लाया है कितना 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ये क्या निकला सीपी। और दूसरा प्रकार के चाय कितना खरीद लाया 65 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दोनों को किस रेशियो में मिला दिया जाए, ठीक है दोनों को किस रेशियो में मिला दिया जाए कि 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो 10 पर लाभ। तो लगाइए पहला प्रकार का क्रय मूल, दूसरा प्रकार का क्रय मूल और दोनों मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल। तो मिश्रण का क्रय मूल कहां बीच में रखना है, तो लगाइए मिश्रण का विक्रय क्रय मूल। तो मिश्रण का विक्रय मूल दिया है तो अभी बताएं विक्रय मूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्या निकलेगा क्रय मूल, यानी एसपी दिया हुआ है कितना 68.20। तो हमको सीपी निकालिए, 68.20 में गुना कर दिए, बताइए 10% लाभ, तो 10 पर लाभ का होल वैल्यू कितना आएगा 11/10, तो उल्टा गुना 10/11। अब काटिए देखिए दशमलव खत्म होगा तो बटन दो को जीरो चला जाएगा, एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो यहां से खत्म हो गया, इसको काट लीजिए तो आ जाएगा 11/66, 2×11=22। यानी मिश्रण का क्रय मूल कितना निकला 62 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है मिश्रण का क्रय मूल कितना निकला 62 रुपये प्रति किलोग्राम। तो लगाइए यहां एलिगेशन, पहला का क्रय मूल दूसरा का क्रय मूल और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल, मिश्रण का क्रय मूल कितना 62। अब तिरछा तिरछी घटा लीजिए तो घटाइएगा 60 और 62 का अंतर कितना का 2 का और 65 और 62 कितना का अंतर 3 का, यानी किस रेशियो में मिलाएगा 3:2 के रेशियो में मिलाएगा, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में मिलाएगा, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो देखिए पहला का क्रय मूल दूसरा का क्रय मूल और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल, तो मिश्रण का क्रय मूल लिखना ना लिखना हो ना तो बीच में लिखेगा, मिश्रण का क्रय मूल कहां लिखा था बीच में, लेकिन हमको मिश्रण का क्रय मूल नहीं पता है, क्या पता है मिश्रण का विक्रय मूल पता था और 10% लाभ था, तो हम लोग जानते हैं 10% लाभ का होल वैल्यू आ जाएगा 11/10, ठीक है। अब विक्रय मूल में उल्टा गुना कर लीजिएगा तो निकल जाएगा क्रय मूल, यानी 68.20 में 10/11 से गुना करें तो 62 रुपये प्रति किलोग्राम का आया है, ये मिश्रण का क्रय मूल आया है, तो मिश्रण का क्रय मूल बीच में लगाएंगे, अब तिरछा तिरछी घटाएंगे तो निकल जाएगा रेशियो यानी अनुपात में, तो कौन सा ऑप्शन आया है बी नंबर ऑप्शन आया है, बी नंबर सही है। एक चीज याद रखिएगा इसमें कि देखिए मिश्रण का जो क्रय मूल आएगा, ठीक है तो जो बीच में लगता है ये दोनों के मान के बीच का होगा, यानी एक 60 से बड़ा तो 65 से छोटा, जब भी होता है बीच का मान होता है, यानी दोनों के बीच का मान का मान निकलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों से बड़ा रहेगा तो आप तो गलत लगा दीजिए, यहां पर अगर 60 और 65 था, अगर यहां 65 से ज्यादा कुछ रहता 66, 67, 68 तो ये आपका गलत मेथड रहता, यानी जब भी बीच में लगता है तो दोनों के बीच का मान रहता है, ठीक है दोनों के बीच का मान रहेगा। आइए पांचवा नंबर देखते हैं क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा अंकों का औसत 35 है, यानी कोई एक एग्जाम हुआ है उसमें टोटल विद्यार्थी जो एग्जाम दिया है वो कितना दिया 120 विद्यार्थी, ठीक है 120 विद्यार्थी टोटल एग्जाम दिया है और सभी को मिलाकर औसत अंक कितना निकला है 35, ठीक है औसत अंक कितना है 35, यानी टोटल विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 35। अब तो देखिए जो विद्यार्थी एग्जाम दिया है तो एग्जाम में दो ही रिजल्ट आता है, या तो पास होगा या फेल, तो बोला है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास, तो पास प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, यानी पास का औसत अंक कितना 39 और अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना 15, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो फेल का औसत अंक कितना 15, तो पास का औसत अंक फेल का औसत अंक, अब दोनों को मिला दिया पास और फेल दोनों मिला दिया तो क्या आएगा कुल विद्यार्थी आ गया, कुल विद्यार्थी का औसत अंक, तो कुल विद्यार्थी का औसत अंक कितना 35, तो लगाएंगे बीच में औसत अंक कितना 35। देखिए औसत अंक, औसत अंक तो औसत अंक लगा है, ठीक है औसत अंक पास का 39, औसत अंक फेल का 15 और दोनों को मिला दिए पास और फेल तो कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी का औसत अंक कितना 35, ठीक है। अब क्या करना है तिरछा तिरछी घटाना है, तो 39 में से 35 घटेगा तो कितना चलेगा 4 और 35 में से 15 घटेगा तो कितना 20, ये रेशियो में आ गया, यानी काटिएगा यहां से तो कितना जाएगा तो 4×5=20, यानी 5:1 के रेशियो में, ये क्या निकलेगा संख्या का रेशियो, ये क्या निकल गया संख्या का रेशियो, यानी पास का
अनुपात में पांच तो फेल करना एक, यानी इसको पढ़े में तो पास अगर पांच गो किया होगा तो फेल कर वो एक गो किया है, यानी पांच गो पर एक गो फेल कर रहा है, यानी पांच गो पास करता है तो एक गो फेल कर जाता है। अगर उसी तरह से आगे जाइएगा अगर दो से गुना कर लिया तो पांच नहीं दस, तो इधर एक से एक में दो से गुना कर दो, यानी दस गो पास किया होगा तो फेल कर दो गो, यानी पांच 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 गो पास तो एक गो फेल, दस गो पास तो दो गो फेल, इस तरह से यानी पास और फेल का रेशियो पांच अनुपात एक। अब कह रहा है टोटल 120 विद्यार्थी था, तो बताइए अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, तो जोड़िएगा ना पांच और एक छह, अनुपात में छह, तो अनुपात छह बराबर कितना 120, तो काटिएगा तो अनुपात एक बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बीस छक बीसा से यानी 20। तो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितना, यानी पास की संख्या कितना है, बताइए पास का अनुपात कितना है, अनुपात पांच, अनुपात पांच, अनुपात पांच बराबर कितना हो जाएगा, तो बीस गुना पांच, बीस गुना पांच यानी सौ, यानी सौ को पास किया। अगर फेल पूछता फेल का संख्या तो फेल करना अनुपात एक, अनुपात एक, अनुपात एक का मान कितना है बीस, यानी सौ को पास किया है तो फेल कितना किया है बीस को, तो हमको पूछा उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब क्या पास, तो पास का संख्या कितना है एक सौ, पास का संख्या कितना 100, यानी ऑप्शन कौन जाएगा यहां से, तो ऑप्शन सी। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, कराए 320 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली आसाम चाय के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, ताकि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20 पर लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए मिश्रण को कैसे बेच रहा है 320 रुपए प्रति किलोग्राम, तो मिश्रण का क्या है एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है, लेकिन दिया क्या है दार्जिलिंग पर, दार्जिलिंग जो चाय है वो 300 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदता है और आसाम जो चाय है वो 250 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है, और दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, तो चलिए एक दार्जिलिंग है चाय और एक है आसाम है चाय। ठीक है, तो दार्जिलिंग का क्रय मूल्य कितना 320 रुपये प्रति किलोग्राम और आसाम का चाय कितना है रेट 250 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब दोनों को मिलाते हैं तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना, तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालिए, लेकिन दिया क्या है मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया है, तो लगाइए मिश्रण का विक्रय मूल्य 324, 324। तो हम अभी बताए हैं कि अगर विक्रय मूल्य में लाभ या हानि के होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा, याद रखेगा अगर विक्रय मूल्य में लाभ या हानि के होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा। बताइए 20% का लाभ है तो 20% का लाभ का होल वैल्यू कितना जाएगा, तो 20% को तोड़िएगा तो आ जाएगा 120%, और 120% को तोड़िएगा तो 120/100 यानी कितना जाएगा यहां से 6/5, उल्टा गुना करना है 5/6 से, तो आ जाएगा सीपी, सीपी अब काटिए यहां से 6 से इसको 6×5=30 और 6×4=24 और 54×5 कीजिए तो 5×20 2 और 5×25=27 यानी 270 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखिए मिश्रण का विक्रय मूल्य 324 और 20% लाभ, तो 20% लाभ का होल वैल्यू आप निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा 120/100 यानी 6/5, तो कुछ नहीं करना है विक्रय मूल्य में जो होल वैल्यू आएगा उसका उल्टा गुना करना है, तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य कितना 270, यानी दोनों प्रकार के चाय को मिला दिया जाए तो रेट कितना जाएगा 270 रुपये प्रति किलोग्राम, तो बीच में लगाइए 270। अब क्या करना है तिरछा तिरछी घटाना है, तो 320 में से 270 घटेगा तो 50 और 270 में से 250 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो रेशियो मिलाइए 1:0 से 1:0 कट जाएगा यानी किस रेशियो में 2:5 के रेशियो में, तो निकल गया दोनों प्रकार के चाय को किस रेशियो में मिलाएगा तो 2:5 के रेशियो में मिलाएगा, तो यही पूछ रहा है 2:5 का ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर डी। आइए हम लोग सातवां नंबर पर देखते हैं, का दो प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ होता है। देखिए
दो प्रकार का चावल है, ये पहला प्रकार का चावल और दूसरा प्रकार का चावल, और दोनों को किस रेशियो मिलाया है, तो 3:2 के रेशियो मिलाया है। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में, ये याद रखना है, ये साइड से आपको याद रखना है कि दोनों को किस रेशियो मिलाएगा, तो 3:2 के रेशियो में। और जब दोनों को मिलाकर बेचा तो मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ। देखिए मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम, तो एसपी दिया है 22, तो सीपी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 22 में यानी विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 10% लाभ का होल वैल्यू कितना, 11/10, तो उल्टा गुना 10/11, 11 × 22 यानी कितना आ गया, 20 रुपये प्रति केजी। ये किसका आया, मिश्रण का आया है, ये मिश्रण का आया है, यानी मिश्रण का सीपी कितना है 20, तो मिश्रण का सीपी आ गया 20। अगर यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी पहला प्रकार के चावल को कैसे खरीद कर लाया है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो पहला प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना है 10। अब पूछ रहा है दूसरे प्रकार के चावलों का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, तो बताइए दूसरा प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना रखना होगा, ठीक है, कैसे किलो खरीद के लाया होगा, तो नहीं पता है तो मान लीजिए एक्स। तो यहां दिया है पहला प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10, दूसरा प्रकार के चावल का क्रय मूल्य नहीं पता है तो मान लीजिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दोनों को मिला दिए, तो दोनों को जब मिलाए तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण, तो मिश्रण कहां लिखाएगा बीच में, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब क्या करेंगे घटाएं, देखिए ये बीच वाला जो मान होता है इन दोनों के बीच का होता है, यानी एक से बड़ा तो दूसरा से छोटा होगा, देखिए 10 से ये बड़ा है, 20 क्या है 10 से बड़ा, इसका मतलब 20 एक से क्या होगा छोटा होगा, तो घटाइएगा तो एक्स माइनस 20 अनुपात, अब 20 में से 10 जाएगा तो 10, यानी किस रेशियो में मिलाया गया होगा, तो एक्स माइनस 20 अनुपात 10 के रेशियो में। तो देखिए हम लोग यहां लगाएंगे कि दोनों का रेशियो कितना एक्स माइनस 20 अनुपात 10, तो इसको भिन्न में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20/10, तो इन इस रेशियो में मिलाया गया है, लेकिन रेशियो मिलाया कितना 3:2, यानी किताब में क्वेश्चन में दिया 3:2, तो एक्स माइनस 20/10 किसके बराबर 3/2 के बराबर। अब तिरछा तिरछी काट लेंगे तो ये होगा 2×5=10, 5 × 15 और -20 उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स बराबर कितना तो 15 और 20 35, तो 35 रुपये प्रति किलोग्राम। तो एक्स क्या माने थे, तो ये माने थे दूसरा प्रकार के चावल का क्रय मूल्य, ये एक्स क्या है दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य, दूसरा प्रकार के चावल का क्रय मूल्य यानी सीपी, तो कितना निकल गया 35, यानी ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर, कौन सा जा रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो लगाइएगा इसको, पहला का क्रय मूल्य, दूसरा का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो नहीं पता तो एक्स, ठीक है, अब मिश्रण का क्रय मूल्य, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य 22, तो अगर विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य कितना 20, तो यहाँ एलिगेशन लगाने के लिए बीच में 20, अब तिरछा तिरछी घटाएं तो आ गया एक्स माइनस 20/10, ठीक है, तो दोनों का रेशियो एक्स माइनस 20/10, लेकिन रेशियो है कितना 3/2 के बराबर है, दोनों को बराबर करके एक्स का मान 35। आइए 8वां नंबर देखते हैं, करा एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, क्या बेचता है, ठीक है बेचता है, और 20% लाभ कमाता है, यानी दूध है यानी दूध और उसमें पानी मिला दिया, तो दूध और पानी मिल गया तो क्या हुआ मिश्रण, यानी क्या दिया है मिश्रण का विक्रय मूल्य, मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना 9 रुपये प्रति लीटर, तो लाभ कितना होता है 20%, तो आप निकाल लीजिए मिश्रण का क्रय मूल्य कितना, ठीक है मिश्रण का क्रय मूल्य जब दूध और पानी को मिला दिया तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना यानी सीपी कितना, तो दिया है 9 रुपये प्रति लीटर विक्रय मूल्य। और ये बताएं कि अगर विक्रय मूल्य में लाभ या हानि के होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य, तो 20% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा 6/5, तो उसका उल्टा गुना करना है यानी कितना 5/6, 5/6, तो काटिएगा यहां से क्या आएगा 2 × 6 और 3 × 9 और 5 × 15/2 यानी कितना जाएगा 7.5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। देखिए होल वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है तो जब परसेंटेज पढ़ाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस तो वहां पर और विस्तृत रूप से बताएंगे कि होल वैल्यू होता क्या है, होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आप सिर्फ अभी ये याद रखिए
कि 20% लाभ पर बेचेगा, मतलब कितना 100% क्रय मूल और 20% लाभ, यानी कितना 120% बेचता है, और 120% को तोड़ेगा तो 6/5 आ जाएगा, तो 6/5 का उल्टा गुना करना है, तो 6/5 का उल्टा करना 5/6, तो यहाँ से आ गया 7.5 रुपये प्रति लीटर, यानी मिश्रण को क्रय मूल कितना निकला 7.5 रुपये। अगर यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर, यानी दूध मिल्क, तो शुद्ध दूध का लागत, लागत मतलब क्या क्रय मूल्य, तो दूध का क्रय मूल्य 10, अब इसमें पानी फटेगा तो पानी वाटर, ठीक है, डब्ल्यू से वाटर, तो पानी फटा तो पानी का क्रय मूल्य कितना, तो पानी को खरीदने में पैसा लगता है, जब भी पानी बोलेगा तो पानी का क्रय मूल्य हमेशा मानिएगा 0, क्योंकि कोई पानी का रेट नहीं होता है, ठीक है, पानी का रेट क्या होता है 0। तो मिल्क का रेट 10 रुपये प्रति किलोग्राम लीटर और वाटर 0 रुपये प्रति लीटर, अब दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए तो क्या मिल गया मिश्रण, तो मिश्रण का रेट कितना हो गया 7.5, तो यहाँ बीच में 7.5। अब घटाइए तीछा तीछी, देखिए 10 और 0 के बीच में है ना 7.5, यानी जब भी मिश्रण का जो रहेगा मिश्रण बीच में वो दोनों के बीच के मान रहेगा, 10 में 7.5 जाएगा तो कितना 2.5, और 7.5 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 7.5 रहेगा, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ तक कट जाएगा, और 25 75, यानी कितने रेशियो में 3:1 रेशियो में, यानी अगर मिल्क 3 लीटर रहेगा, मिल्क 3 लीटर, तो वाटर कितना मिलाना होगा उसमें 1 लीटर मिलाना होगा, तो कह रहा है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, दूध और पानी का अनुपात कितना 3:1, यानी 3:1 कौन जा रहा है ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा मिल्क कैसे रुपए खरीदा है, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीद कर लाया है, वाटर कैसे खरीदा है तो वाटर का रेट 0, यानी 0 रुपये प्रति लीटर, और दोनों को मिला दिया तो मिश्रण, और मिश्रण को बेच रहा है 9 रुपये प्रति लीटर, तो 20% लाभ, तो निकालिए मिश्रण का क्रय मूल्य, तो क्या कीजिएगा विक्रय मूल्य में लाभ या हानि जो भी रहे, अगर हानि बोलता तो हानि और लाभ बोलेगा तो लाभ, यहाँ लाभ बोला है तो लाभ का होल वैल्यू कितना, तो लाभ का होल वैल्यू होगा 6/5 उल्टा गुना, तो 5/6 7.5 यहाँ लगाइए, तिरछा तिरछी घटा दीजिए आ जाएगा रेशियो, यानी किस रेशियो में आ गया है 3:1 रेशियो में। आइए हम लोग नौवां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कर एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले 10 किलो चावल में 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावल की कुछ मात्रा मिला दी। देखिए ये पहला प्रकार के चावल है और ये दूसरा प्रकार के चावल है, ठीक है, कराए 10 रुपये प्रति किलोग्राम, पहला प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना 10 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना केजी 10 केजी, यानी केजी में कितना 10 केजी, यानी पहला प्रकार के चावल 10 केजी लेता है वो भी कैसे, तो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो पहला प्रकार के चावल का क्रय मूल्य यानी सीपी पता होगा 10, कराए दूसरे प्रकार के चावल की कुछ मात्रा मिला दी, तो दूसरे प्रकार के कुछ चावल यानी कितना मानते हैं 1 केजी, दूसरा प्रकार के चावल कितना 1 केजी, वो भी कैसे खरीद के लाया तो 15 रुपये प्रति केजी, यानी 15 रुपये प्रति केजी। तो देखिए पहला प्रकार के चावल 10 केजी 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, दूसरा प्रकार के चावल 1 केजी मानिए कितना रुपये प्रति किलोग्राम, तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, अब दोनों को मिलाते हैं तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालिए, तो दोनों को मिश्रण इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिश्रण, तो मिश्रण का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो मिश्रण का क्रय मूल्य यहां से निकाल लीजिए दिया है। अब मिश्रण को 14 रुपये, ये क्या निकला मिश्रण, मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा, यदि इस प्रकार उसे 5% लाभ हुआ तो बताइए एसपी दिया है 14 रुपये प्रति किलोग्राम, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 14। अब क्या कीजिएगा विक्रय मूल्य में लाभ के होल वैल्यू का उल्टा गुना, बताइए 5% लाभ का होल वैल्यू कितना, तो 5% और 100% कितना 105%, और 105% को तोड़िएगा तो कितना आएगा भिन्न में 21/20 आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा, 21/20 इसका उल्टा गुना कर लीजिए कितना से 20/21 से, ये कटिएगा 7 × 14 और 7 × 21 यानी आ गया 2 × 40/3 कितना आ गया 40/3, तो यहां आ जाएगा 40/3 कितना आ गया 40/3। अब देखिए तिरछा तिरछी घटाइए तो 10 - 40/3 या 40/3 - 10 ऐसे भी कर सकते हैं,
जाएगा 10 30 30, तो 40 में से 30 जाएगा तो कितना जाएगा 10, 10 बटा 3 आ गया। और इन दोनों को घटाइए तो यह जाएगा 15 45, 45 में से 40 घटाया करना 5 बटा 3। देखिए अनुपात में नीचे नीचे कट जाएगा 3 से 3, और ऊपर ऊपर कटेगा तो 15 10, यानी किस रेशियो में मिला गया 1:2 के रेशियो में, यानी पहला प्रकार का अनुपात 1 तो दूसरा प्रकार कितना अनुपात 2, यानी दूसरा प्रकार का जो चावल रहेगा वो पहला प्रकार से चावल से दुगुना रहेगा। क्या रहेगा? दुगुना। देखिए पहला प्रकार का चावल अगर 10 है तो दूसरा प्रकार का चावल कितना है दुगुना, तो 10 का दुगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20। ऐसे भी तुलना कर सकते हैं, यहां से 10 केजी तो अनुपात में कितना 1, तो लिखिएगा अनुपात 1 बराबर 10 केजी, अनुपात 1 बराबर कितना 10 केजी, अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 2, यानी कितना 20 केजी। दूसरा प्रकार के चावल कितना किलोग्राम मिलाना होगा उसमें, तो 20 केजी लेना होगा, ठीक है, तब रेशियो आएगा कितना के रेशियो में 1:2 के रेशियो में। आइए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी एक दूरी जो है उसको तय करने में 8 घंटा लगा है और दूरी कितना है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर दूरी और कितना समय लगा है 8 घंटा। वह आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है, यानी कुछ दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पैदल चला, तो पैदल को मानिए पी, तो पी का स्पीड कितना है 5, यहां स्पीड लगाए हैं। और आंशिक रूप से साइकिल पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से सफर किया है, ठीक है, साइकिल पर, तो साइकिल को मानिए सी, तो साइकिल से चला तो कितना के स्पीड से 7 के स्पीड से, यानी पैदल चला तो 5 के स्पीड से और साइकिल से चला तो 7 के स्पीड से, यानी कुछ दूरी पैदल चला और कुछ दूरी साइकिल चला, और जब दोनों को मिला दिए दूरी को तो निकल गया टोटल दूरी, और टोटल दूरी को कितना के चला तो 50 किलोमीटर चला, तो निकालिए कुल दूरी को चलने में लगा समय कितना 8 घंटा, लेकिन किलोमीटर में कितना 50, तो 50 किलोमीटर को चलने में 8 घंटा, तो दूरी बटा समय तो क्या निकला ये 4, यानी स्पीड निकल गया, यानी कुल दूरी का स्पीड एवरेज स्पीड कितना हो गया तो 50 बटा 8, दूरी बटा समय तो क्या निकलेगा 4, यानी स्पीड, इसको काटेगा 25 गुना 50 और 4 गुना 8, यानी 25 बटा 4, 25 बटा 4। अब देखिए यहां से तो ये स्पीड जो आया है किसका आया है, तो कुल दूरी का ना, कुल दूरी मतलब क्या मिश्रण का, यानी पैदल और साइकिल दोनों को मिला दिए तो क्या हुआ, दोनों को मिला दिए तो मिक्सचर हो गया, यानी मिश्रण हो गया, और मिश्रण का स्पीड कितना 25 बटा 4, तो मिश्रण का स्पीड कहां लगाइएगा बीच में, ठीक है, मिश्रण का स्पीड कितना यहां पर 25 बटा 4। अब क्या कीजिएगा तिरछा तिरछी घटाइएगा, देखिए पैदल का स्पीड साइकिल का स्पीड और दोनों मिला दिए तो एवरेज स्पीड यानी मिश्रण का स्पीड बीच में, अब 5 में से 25 बटा 4 घटाइए तो 4 25 20, 20 में 25 घटाइए तो कितना 5 5 बटा 4, और यहां 7 गुने 4 28, 28 में से 25 घटाइए कितना 3 3 बटा 4, अभी काटेगा नीचे 4 4 खत्म हो गया यानी 3 बटा 4। देखिए स्पीड स्पीड स्पीड, जब स्पीड स्पीड का रेशियो लगाइएगा, सॉरी यहां 5, यहां कितना 5, तो देखिए याद रखिएगा स्पीड 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 यानी पैदल स्पीड साइकिल से स्पीड और दोनों मिला दिए तो मिश्रण का स्पीड, तो जब स्पीड 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 में एलिगेशन लगाइएगा तो टाइम का रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा टाइम का रेशियो, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि अगर स्पीड का एलिगेशन लगाइएगा तो किसका रेशियो निकलेगा टाइम का रेशियो, यानी पैदल अगर 3 चला होगा तो साइकिल से कितना 5, अगर घंटा लेते हैं तो पैदल अगर 3 घंटा तो साइकिल से कितना 5 घंटा, यानी इस रेशियो में चलेगा। निकालिए पैदल और साइकिल दोनों मिलाकर अनुपात में कितना 8, अनुपात में कितना 8, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद कुल दूरी को तय करने में कितना 8 घंटा 8 घंटा, तो कह सकते हैं अनुपात 1 बराबर कितना 1 घंटा, यानी अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा तो 3 आवर हो जाएगा, और अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा तो 5 आवर हो जाएगा, यानी पैदल 3 घंटा चला तो साइकिल से कितना चला 5 घंटा निकल गया यहां से। आप पूछ रहा है पैदल तय की गई दूरी कितना है, तो पैदल पैदल तय की गई दूरी
अब दूरी बना के जानते हैं, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो बताइए पैदल का चाल कितना है, तो पैदल का चाल है 5। अब पैदल कितना घंटा चला, 3 घंटा, 3 घंटा, तो कितना लगेगा 5 15 किलोमीटर आंसर, यानी 15 किलोमीटर, ऑप्शन कौन जा रहा है डी, ठीक है। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि अगर स्पीड स्पीड का एलिगेशन आएगा तो टाइम का रेशियो निकलेगा, ठीक है। अगर पूछता कि साइकिल से कितना दूरी तय किया है, देखिए साइकिल का स्पीड कितना है 7, और साइकिल से कितना देर चला 5 घंटा, तो 7 के स्पीड से 5 घंटा चलेगा तो कितना, 7 5 35, तो 35 किलोमीटर साइकिल से, और 15 किलोमीटर पैदल, तो 35 और 15 जोड़ेगा तो कितना 50 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितना 50 आ गया ना। तो इस तरह से लगाते हैं एलिगेशन। तो आज हम लोग देखे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने के लिए, ठीक है, एलिगेशन वाला क्वेश्चन। तो टाइम एंड डिस्टेंस भी एलिगेशन लगता है कुछ क्वेश्चन में, तो अगर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसको टाइम एंड डिस्टेंस की सहायता से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, और एलिगेशन की सहायता से इस क्वेश्चन को बनाते हैं।